ये लोगों के पास अब जातीय जनगणना लगता है कि एक हथियार है जिसके माध्यम से जाते जाते उन्माद पैदा करके फिर सत्ता प्राप्त कर रहे। 15 साल लालू प्रसाद यादव जी रहे, 18 साल आप रहे, ये 33 वर्ष में बड़े भाई छोटे भाई ने क्यों नहीं एजेंडा सेट किए? माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इतनी हड़बड़ी अकबकाहट क्यों है? अब तो चुनावी समर में उतरने की बारी है, इसके नाम पर सेंटिमेंट जगाकर जातीय उन्माद पैदा कर जातीय जहर के लहर से आप सत्ता की फसल काटना चाहते हैं। जाति गणना पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत जनगणना कराने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे। वही जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जातीय जनगणना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इन लोगों के पास न विकास की सोच है, न शांति का समाधान का कोई रास्ता बचा है। ये लोगों के पास अब जातीय जनगणना लगता है कि एक हथियार है जिसके माध्यम से जाते जाते उन्माद पैदा करके फिर सत्ता प्राप्त कर लेंगे। 17 साल 18 साल में क्यों नहीं किए थे? 15 साल लालू प्रसाद यादव जी रहे, 18 साल आप रहे, ये 33 वर्ष में बड़े भाई छोटे भाई ने क्यों नहीं एजेंडा सेट किए? अब तो अब चला चली का बेला है, कहीं झमेला खड़ा करना चाहते हैं? माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इतनी हड़बड़ी अकबकाहट क्यों है? और आपके हड़बड़ी और गड़बड़ी के कारण ही तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। क्यों आप इस तरह के खेल खेलना चाहते हैं? अब तो चुनावी समर में उतरने की बारी है, इसके नाम पर सेंटिमेंट जगाकर जातीय उन्माद पैदा कर जातीय जहर के लहर से आप सत्ता की फसल काटना चाहते हैं। पब्लिक भी समझ रही है, विकास की बात करनी है तो आप गरीबी और अमीरी को पहले एजेंडा में ले लीजिए और उस गरीबी अमीरी की एजेंडा से हर क्षेत्र के लोगों की विकास होगी, घृणा नफरत नहीं होगा, सामाजिक समरसता भी आगे बढ़ेगा। जेडीयू के लोग आरसीपी सिंह को कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रावण कह दिया। देखिए, अब जिसने उनको विभीषण कहा तो विभीषण भाई किनका थे? और विभीषण राम के दरबार में आए हैं, राम राज्य की कल्पना करके, राम मंत्र को ग्रहण करके, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेके, सबका विश्वास सबका प्रयास की भाव को लेकर के। रावण कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक सोच है जो समाज के अंदर कहीं न कहीं आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाता है, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग इरावनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो भी अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित करता है, बढ़ाता है, वैसे लोगों को कहा जाता है कि ये रावण के पथ पर चलने वाले लोग हैं, उसी वृत्ति और प्रवृत्ति के लोग हैं। और भगवान राम के पथ पर चलने वाले लोग जो सामाजिक समरसता, सबका साथ सबका विकास, सबको समाज के अंदर शांति के साथ सुख और कल्याण की भाव रखने का विचारधारा ही तो रामराज है। गांधी जी भी ने इसकी चर्चा किए हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को समझ में ना आए तो तुष्टीकरण की राजनीति में मानसिकता ही जिनकी गड़बड़ा जाए तो लोग क्या करें, क्या बोल देते हैं, उस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, ये भी लोग को। उन्होंने कहा कि 18 साल तक लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जातीय जनगणना क्यों नहीं किया गया। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।